कि अगर चीफ मिनिस्टर चाहते, राज्य सरकार और केंद्र सरकार चाहते, तो तीन और चार तारीख की घटना से ये हिंसा बंद हो सकता था, लेकिन हिंसा होता रहा, हिंसा को होने दिया गया। पुलिस स्टेशन और बटालियंस की आर्म्स को लूटने दिया गया, और हिल में, वैली में, दोनों तरफ में हिंसा को फैलाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कम्युनल दंगा फैला करके 1990 से देश में कम्युनल दंगा पैदा करके दो एमपी से आज तक सरकार में बने हैं। इतना दो एमपी थे तब और आज उतना बने। हिंसा ही इस पार्टी का माध्यम रहा है, लोगों का दिलों को तोड़ना और हिंसा को स्थापित करना, भय और आतंक फैला के लोगों का इमोशन को एक्सप्लॉइट करके चुनाव जीतना, ये उनका माध्यम हर राज्यों में रहा है। ये नई बात नहीं है, लेकिन इतना प्यार से, सुंदर से दो कम्युनिटी के लोग, मैथिली लोग और कुकी लोग प्यार से रह रहे थे, उसमें हिंसा सरकार रहते हुए फैला कैसे, क्यों फैलाया गया, उसका क्या फायदा मिल रहा है? क्या भारत सरकार को या केंद्र राज्य सरकार को इसका फायदा मिल रहा है? आप लोग अगर सवाल करेंगे तो उसका ओरिजिन कहां हुआ, क्यों हुआ, इसको क्यों ऐसा किया जा रहा है? एक महीना तक होम मिनिस्टर नहीं जाना, और होम मिनिस्टर जाने का घोषणा के बाद, होम मिनिस्टर साहब का घोषणा हुआ 3-4 दिन पहले कि वो जा रहे हैं 29 को, और इसका 2 दिन पहले से हिंसा बढ़ गया। तो इतना मिलिट्री फोर्सेस वहां पे है, सरकार के पास इतना आयाम है, बीजेपी पार्टी के कैडर्स एक चुनाव वाली स्टेट में घुस जाते हैं 2000-5000 और घरों घरों में घुस के लोगों को वोट के लिए मोटिवेट करते हैं, तो जनता को मोटिवेट करने के लिए नहीं जा पाए। अगर पार्टी और सरकार दोनों महत्व देते तो वहां लोगों में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की प्रक्रिया कर सकता था सरकार, जो नहीं किया। सरकार प्रोटेक्टेड, हम लोग प्रोटेक्टेड नहीं है, नहीं तो हम लोग घुस जाते। हम लोग जाना चाहे, कानकोपी जाना चाहे, हमारा टीम जब गया था मुकुल जी के लीडरशिप में, हम सब लोग जाना चाहे कानकोपी, केवल दिल्ली का टीम को अलाउ कर दीजिए, लोकल टीम को मत कीजिए, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस दीजिए, हम जाएंगे कानकोपी, चूरचंदपुर और दूसरी जगह जाएंगे, हम वैली में भी जो कैंप्स है वहां भी जाएंगे, लेकिन हमको लोगों से मिलने नहीं दिया गया। खुद प्रोटेक्शन में तो मिल सकते थे। अगर आज अमित शाह जी जाना चाह रहे हैं, वो जा पाएंगे चूरचंदपुर या कानकोपी, या हमारे कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन नहीं जा पाएंगे, उसको आप कंपेरिजन कर लीजिए, क्यों हमको रोका गया? आप सत्य को छुपाना चाहते हो, इसलिए आपने इसको रोका। और प्रधानमंत्री जी का चुप्पी बता रहा है कि कोई गहरी चाल हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या आप स्टेट को डिवीजन करना चाहते हो? क्या आप स्टेट को विदेशी ताकतों को हैंडओवर कर देना चाहते हो? अरुणाचल में बार बार कांग्रेस पार्टी बात उठाते रही है कि अरुणाचल में चाइना घुस गया है, इतना एरिया में है, रिपीटेडली उठाया है। तो क्या किस तरह की सौदा आप मणिपुर के साथ या देश के साथ करना चाहते हो? मणिपुर आपका भारत का एक भूखंड है कि नहीं? अगर है तो इस तरह की तटस्थता का अप्रोच क्यों? सरकार तटस्थ क्यों है? लोगों का दिल टूट चुका है, वो जुड़ना बहुत मुश्किल है। आप लोगों को हिंसात्मक किए हो, वो खुद नहीं किए। हिंसात्मक व्यवहार को बंद करो, सत्य को समझने का कोशिश करो, देश की भूखंड को बचाने का काम करो, और विदेश के हाथ में वो भूखंड नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि चाइना किसी ना किसी माध्यम से वहां भी ऑक्यूपाई कर ले, ये संदेह हो सकता है। तो मैं केवल यही चीज आपको इशारा कर रहा हूं कि देश की जनता इस सवाल को उठाने चाहेंगे, क्यों सरकार केंद्र में है कि नहीं है, है तो क्यों चुप है, क्यों हिंसा होने दे रहा है? एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रपति जी से मिले जून 2001 को,
ठीक 22 साल पहले मणिपुर जल रहा था, ठीक 22 साल पहले मणिपुर जल रहा था। हाईकोर्ट जला, विधानसभा जला, इम्फाल जल रहा था, मणिपुर जल रहा था। तब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 22 साल बाद वही मणिपुर जल रहा है और आज मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति, बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति मणिपुर को जलाया था 2001 में और अभी जला रहा है 2023 में। जब मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री व्यस्त थे कर्नाटक के चुनाव में। 3 मई से मणिपुर जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, तनाव है, हिंसा है, अशांति है, पर इनको कोई परवाह नहीं था। तब से हम मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई हो। और आज मैं हमारे मणिपुर के वरिष्ठ नेताओं से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं साथियों कि 2001 के हिंसा के घटना के बाद फरवरी 2002 में इबोबी सिंह जी मणिपुर के मुख्यमंत्री बने। 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे, लगातार 15 साल मुख्यमंत्री रहे, ऐसी घटनाएं नहीं हुई। विकास का रास्ता, सद्भावना का रास्ता मणिपुर का रास्ता था। आज वो सब जल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला, जनादेश मिला मणिपुर में, और मैं खुद मणिपुर में था 2 महीने के लिए, भक्त चरण दास जी भी थे। और जिन संस्थाओं की आलोचना की जा रही है आज, बार बार मिलिटेंट ग्रुप के बारे में बातचीत चल रही है, उन्हीं मिलिटेंट ग्रुप के सहायता से बीजेपी को भारी जनादेश मिला। आपकी आवाज